अगर वास्तव में आपको देश से प्यार है तो दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए। ये नेता और ये पॉलिटिकल पार्टियां 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीत। हिंदुस्तान को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है और इसे ही इस देश की खूबसूरती भी बताया जाता है, लेकिन कब से इस खूबसूरती पर बेलगाम दाग लगाए जा रहे हैं, कोई इन दागों को धोने के बारे में नहीं सोचता। संसद का काम है कानून बनाने का, लेकिन पता नहीं वो कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं। सीमा हैदर ने इस देश की सीमा सुरक्षा को दुनिया के सामने उजागर करने का काम किया, फिर भी हमारे कानूनों पर चर्चा नहीं होती। क्यों हमारे नेता इस देश की बदलती दशा और दिशा को नहीं देख पाते? इस संसद के सत्र में मोदी जी को कम से कम इन कानूनों पर तो गौर करना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ यूसीसी लाने से काम नहीं चलने वाला। देश में आ रहे घुसपैठियों पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि जब फ्रांस जल रहा था तो उसे बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं पहुँचा। इन घुसपैठियों कट्टरपंथियों का कोई दीन ईमान नहीं होता, ये बस कब्जा करना जानते हैं। एक बार इस देश पर कब्जा कर चुके हैं, क्या दोबारा भी ऐसा होता देखना चाहते हैं? अगर नहीं तो जर्जर हो चुके कानूनों को रद्दी में फेंक देना चाहिए और अपने नेताओं से इनकी मांग करनी चाहिए, क्योंकि अगर कल कुछ होगा तो आपके नेता आपकी जान बचाने के लिए नहीं आने वाले। गुलामी के लिए बनाए गए कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का इस पर क्या कहना है। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो तो घर सुरक्षित नहीं होता। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन दवा घटिया हो, शरीर सुरक्षित नहीं होता। इसी तरीके से शासक बहुत अच्छा हो, नियम कानून घटिया हो तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता, किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कानून तो घटिया है। ये 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, और ये इस कानून को मैकाले ने देश को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। 1860 का जो आईपीसी है, ये इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं बनाया था, अलगाववाद खत्म करने के लिए नहीं बनाया था, जिहाद खत्म करने के लिए नहीं बनाया था, न अपराध खत्म करने के लिए बनाया था। ये मैकाले ने बनाया था भारत को गुलाम बनाने के लिए, और आज भी ये चल रहा है, इसीलिए कोई भी समस्या समाधान नहीं हो रहा है। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, उसको अंग्रेजों ने बनाया था इस देश को गुलाम बनाने के लिए, वो कानून आज भी चल रहा है। इसलिए पुलिस के रवैया वैसे की वैसी है, पुलिस सत्ता के अधीन है, सत्ता के इशारे पे काम करती है, सत्ता जहां का कहती है वहां पे जाके बुलडोजर चलाती है, जहां नहीं कहती वहां चुपचाप बैठी रहती है। 1872 का एविडेंस एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, वो इस देश में न्याय करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इस देश के राष्ट्रभक्तों को सजा देने के लिए बनाया था। चूंकि कानून आज भी चल रहा है तो वही न्यायिक व्यवस्था है, वही कानून है, इसलिए आज भी न कश्मीर के अलगाववादियों को सजा हुई, न बंगाल में जिहादियों को सजा हुई, न केरल के चरमपंथियों को सजा हुई, और मणिपुर जल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसमें दो चार को सजा हो जाएगी, बाकी सबको नहीं होगी। दिल्ली दंगा हुआ था, हजारों की संख्या में सिख मारे गए थे, किसी को सजा हुई क्या? बिट्टा कराटे जिसने पब्लिकली कहा था मैंने मारा है, उसको सजा हुई क्या? यासीन मलिक जिसने पब्लिकली कहा मैंने मारा है, उसको सजा हुई क्या? बंगाल में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, किसी को सजा हुई? सिख दंगों में इतना नरसंहार हुआ सिखों का, किसी को सजा हुई? बाकी तो छोड़िए, 70,000 करोड़ का 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई? 176,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई? 176,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई? 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल थे, वोहरा कमेटी आप गूगल करिएगा, वोहरा कमेटी ने बहुत साफ साफ कहा था कि बहुत सारे उसमें सांसद विधायक मंत्री शामिल थे जिन्होंने दाऊद की मदद किया, उनको सजा हुई क्या? वो तो पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। इसलिए कह रहा हूं, इस देश को अगर सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले हमें इस वो किसानों से सीखना पड़ेगा। किसान क्या करता है? अच्छा बीज बोने के पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है। इसके बावजूद अगर खरपतवार बसता है तो उसमें पेस्टिसाइड डाल देता है। हमने वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, इसलिए आज देख लीजिए जिनके पास 10,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है वो पार्टी बना के बैठे हुए हैं, कभी बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं, कभी मुंबई में मीटिंग कर रहे हैं, और संसद नहीं चलने दे रहे। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम था, सजा हुई क्या? नहीं हुई। वाड्रा का इतना बड़ा घोटाला था, सजा हुई क्या? नेशनल हेराल्ड में इतना बड़ा घोटाला, सजा हुई क्या? अब्दुल करीम तेलगी से लेके जीप घोटाले से लेके और मैरिन घोटाले तक, आकाश में हुए घोटाले से लेके कोयला घोटाले तक, किसी को सजा हुई? नहीं हुई, क्योंकि इस देश में कानून का राज है और कानून महा घटिया है। इसलिए मोदी जी बड़े ईमानदार हों,
मोदी जी बड़े मेहनती हो, मोदी जी भले ही बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन जब तक कहते नहीं जुताई गुड़ाई निराई खरपतवार की सफाई नहीं होगी, तब तक न कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान होगा, न बंगाल की समस्या का स्थायी समाधान होगा, न मणिपुर की समस्या का स्थायी समाधान होगा। जितने भी देश में अलगाववादी संगठन है सबको विदेशी फंडिंग होती है। हमने विदेशी फंडिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाया नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं कि इनको इनका टेस्ट किया जाए और जो इनकी सच्चाई फटाफट पता चल जाए। जिस देश में पुलिस व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था अच्छी होती है वहां पे भ्रष्टाचार अपराध कम होता है, जिस देश में न्यायिक व्यवस्था पुलिस व्यवस्था घटिया होती है उस देश में न अलगाववाद कम होता है, न कट्टरवाद कम होता है, न मजहबी उन्माद कम होता है, न जिहाद कम होता है, न धर्मांतरण कम होता है, न घुसपैठ कम होती है। जैसा घुसपैठ भारत में है ऐसा चीन में क्यों नहीं है? जैसा घुसपैठ भारत में है ऐसा फ्रांस में क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है कि उनके नेता बहुत अच्छे हैं? नहीं, उनके नेता अच्छे नहीं हैं, उनके नेताओं को बहुत अच्छा भाषण देना भी नहीं आता है। हाँ, उनके नेता कानून बनाते हैं। फ्रांस और चाइना के नेता बोलते कम है, कानून बढ़िया बनाते हैं। हमारे देश में तो संसद में केवल बातें होती रहती हैं, तू-तू मैं-मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, और जो आम जनता की समस्या है उस पर कभी गंभीरता के साथ चर्चा होती नहीं। आपकी विधानसभा में या संसद में, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा होती है? नहीं। लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में न घूसखोरी पर चर्चा होती है, न जमाखोरी पर चर्चा होती है, न मिलावटखोरी पर चर्चा होती है, न कालाबाजारी पर चर्चा होती है। लोकसभा राज्यसभा में न मानव तस्करी पर चर्चा होती है, न नशा तस्करी पर चर्चा होती है, न सोना तस्करी पर चर्चा होती है। लोकसभा राज्यसभा में न ये जो विदेशी फंडिंग आ रही है हवाला के जरिए उस पर चर्चा होती है, न तो जिहादियों को फांसी देने के लिए कानून बनाने पर चर्चा होती है। ये मुकदमे 30 साल चलते हैं, 40 साल चलते हैं, इस पर चर्चा नहीं होती। तो न्यायपालिका भी बेलगाम है, पुलिस व्यवस्था भी बेलगाम है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर वास्तव में आपको देश से प्यार है तो दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए। ये नेता और ये पॉलिटिकल पार्टियां 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। और अभी मणिपुर में तो आपको दिख रहा है, जो कुछ मणिपुर में हो रहा है वो नागालैंड में भी हो रहा है, वो मेघालय में भी हो रहा है, वो सिक्किम में भी हो रहा है, अरुणाचल में भी हो रहा है, वो केरल में भी हो रहा है, और बहुत जल्दी जो आपने मणिपुर में देखा है ये आपको झारखंड में भी दिखाई पड़ेगा। आपने जो कुछ मणिपुर में देखा है या कश्मीर में देखा है आपको मेवात में भी दिखाई पड़ेगा। जो आपने मणिपुर में देखा है या आपने कश्मीर में देखा है, बंगाल में देखा है, असम में भी दिखाई पड़ेगा, और गुजरात के भुज और कच्छ में भी दिखाई पड़ेगा। 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जो हमारे भारत के बॉर्डर के एरिया है 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। घुसपैठियों को क्यों नहीं उनके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है? हमने आज तक न घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया, न धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित किया, तो घुसपैठिए भी आराम से रह रहे हैं, धर्मांतरण कराने वाले भी आराम से रहे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि घुसपैठिए भारत में आना तो छोड़िए, जो भारत में है ये अपने आप भाग जाएंगे, बिना एनआरसी किए घुसपैठिए भाग जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। केवल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और कम से कम 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाया जाए, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया जाए, घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम घोषित किया जाए। जैसे ही इसको घोषित कर देंगे घुसपैठियों पर एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, घुसपैठियों पे यूएपीए लगना शुरू हो जाएगा, घुसपैठियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा, घुसपैठियों को 100% प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगी, घुसपैठियों को 20 से 50 साल सजा मिलना शुरू हो जाएगी। 2-4 को सजा दीजिए, बाकी अपने आप रोहिंग्या म्यांमार भाग जाएंगे और बांग्लादेश भाग जाएंगे। कानून बनाना पड़ेगा। धमकी देने से, तू-तू मैं-मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, कैंडल मार्च करने से न घुसपैठ खत्म होगी न धर्मांतरण खत्म होगा। ऐसा कौन सा राज्य है नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां घुसपैठिए नहीं है और जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है? यूपी में धर्मांतरण हो रहा है, पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है, बिहार में धर्मांतरण हो रहा है, बंगाल में धर्मांतरण हो रहा है, असम में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा ऑलरेडी कन्वर्ट हो ही चुका है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, उड़ीसा में धर्मांतरण हो, कहां नहीं हो रहा है? और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब ये आगजनी होगी, जब दंगा होगा, जब जिहाद बढ़ेगा, जब मजहबी उन्माद बढ़ेगा, जब आतंकवाद बढ़ेगा, कोई नेता नहीं मारा जाएगा, मारे जाएंगे आप और हम, मारा जाएगा आपका परिवार, हमारा परिवार, जलेंगे आपके बच्चे और हमारे बच्चे। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं,
दल गुलामी छोड़ दीजिए, कठोर कानून की मांग करिए, अपने सांसद विधायक से मिलिए और अच्छी तरीके समझ लीजिए। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने से आतंकवाद अलगाववाद खत्म नहीं होता। फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट था, वर्ल्ड क्लास हाईवे था, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल था, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। फ्रांस ने भी मंगलयान छोड़ा हुआ है, फ्रांस ने भी चंद्रमा पर सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, फ्रांस यूएन का परमानेंट मेंबर भी है और फ्रांस के पास राफेल भी है। कुछ काम नहीं आया, 15 दिन जला है फ्रांस। वैसे ही भारत में देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी है, सब कुछ है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, मेहनती प्रधानमंत्री, मेहनती मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा संगठन, सब कुछ है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े नेता, कोई काम नहीं आए। कश्मीर भी जला, दिल्ली भी जला, मणिपुर भी जल रहा है, केरल भी जल रहा है, बंगाल भी जल रहा है, असम के किनारे की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर अपने बच्चों की चिंता है, भविष्य की चिंता है, अपने आने वाले टाइम में आपको लगता है कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, आपके नाती पोते सुरक्षित रहें, तो प्लीज़ अपने अपने सांसद से जाके मिलिए, कठोर कानून की मांग करिए। कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती है, वर्ल्ड क्लास कानून मुफ्त में बन सकता है। इसलिए जब तक कानून नहीं बनेगा, तब तक भारत का समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा।